अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, हे अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रही हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रहा है। फाइनली वी आर मीटिंग अगैन। इसमें थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, अगली बार पक्का जल्दी मिलेंगे। अब जल्दी से बिना नाराज़ हुए बता दो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? झकस, ओके बिंदास, अच्छा तबाह, मंजर कोई भी हो हल सबका है, और वो सब तुम्हारे ही हाथ में है यार, क्योंकि तुम्हें पता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि पढ़ाई तो ठीक है विशाली, मगर हेल्थ का कबाड़ हो गया। प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज रिमाइंडेड यू लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव अनहेल्दी, एंड दिस इज समहाउ कमिंग अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम एन अनहेल्दी पर्सन। करेंटली आई एम इन टू दैट फेज, बट ट्रस्ट मी आई एम डीलिंग विद इट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड आई वॉन्ट द सेम फ्रॉम यू। ओके, सो प्लीज़ डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दैट्स नॉट नेगोशिएबल, डोंट कट आउट ऑन योर स्लीप, दैट्स नॉट नेगोशिएबल, एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टडीज, दैट टू इज नॉट नेगोशिएबल, बिकॉज हियर ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट यू टू, नॉट जस्ट अबाउट मी। Chai buddy, welcome back to your channel. This is Vaishali and you're watching me on Karma's Face Live. How's your 75 days hard going on? Achha, tumne start hi nahi kiya hai. Achha, tum fail ho gaye ho. Achha, koi baat nahi. Agar fail ho gaye ho to fir se start kar lo. Agar nahi start kiya hai to 21 days ka start kar lo yaar. Chalo 7 days ka kar lo yaar, par please kar lo yaar. Koi bhi baat shuru karne se pehle, sabse pehle 3 reminders quickly. Last video mein humne baat ki thi ki kaise jab apna dukh sabse bada lage, क्योंकि अपने दिमाग से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो वही एग्जाम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आइदर फ्रॉम पटवारी टू यूपीएससी। तो अपने दिमाग को बैलेंस रखना इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट द सेम टाइम, सो प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन दैट। उसके लिए क्या चीज़ें करनी होती हैं वो आपको जनरली पता है, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते रहेंगे, और इसके अलावा मीनवाइल आप और जगह पे भी सर्च कर सकते हो। अब प्लीज़ उसके लिए बैठ के यूट्यूब मत चलाते रहना, क्योंकि इसके साथ आता है हमारा दूसरा रिमाइंडर जिसके बारे में हमने उसके लास्ट ब्लॉग में बात की थी, कि हमें अपना यूट्यूब ऑर्गेनाइज रखना है अगर हम उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो अगर हम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो भी हम लिमिटेड वॉच रखेंगे, लिमिटेड सब्सक्रिप्शन रखेंगे, सिर्फ वो जो हमारी लाइफ में 1% वैल्यू एडिशन करते हो, आइदर थ्रू एंटरटेनमेंट और थ्रू एकेडमिक्स। नेक्स्ट चीज़ हमने रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर जो है हमारा, वो हमने बात की थी कि हम अपना सोशल मीडिया लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि नो मैटर आप जिस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम लाइंड अप है, आइदर फ्रॉम मेडिकल, आइदर फ्रॉम आप ये स्टेट पीसेस का किसी भी एग्जाम ले लो, चाहे आप हमारा खुद का ले लो, सब में टाइम कंस्टेंट आ चुका है, तो हम अपना जो सोशल मीडिया उसको लिमिटेड रखेंगे, दैट इज अवर थर्ड रिमाइंडर। नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि सन्यासी बन जाना, वनवासी बन जाना, ना ना ना, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कर दोगे तो तुम्हें एंजाइटी हिट कर देगी कुछ टाइम बाद, और बोलोगे कि नहीं नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा मत करो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ा सा ब्रेक का टाइम आपको रिचार्ज करता है, सो प्लीज़ कीप दैट। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे आपको एक बात बोलनी है, पता है क्या? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छा, बड़ी नई बात बता दी तुमने, कितनी बार तो सुनी है हमने, कान पक गया, हमारे कान से खून आ जाता है ये बात सुन सुन के। ना बच्चा, जहाँ चाहे वहाँ राह है, मेरा इसमें बहुत विश्वास है, सच में। जब भी जिस भी चीज़ में चाहे, वो कोई बहुत ही स्टुपिड चीज़ हो, अगर मुझे करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई बहाना, अच्छा दोनों कमी नहीं एक ही हो गया, सॉरी, कोई ना कोई मतलब तरीका मैं निकाल लेती हूँ जिससे मैं वो काम कर लूँ। और अगर जो वो चीज़ हमारी पढ़ाई के लिए है तो डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए कर तो लेंगे बस, ठीक है, सॉरी, कोई नई बात नहीं की, बस तुम्हें रिमाइंड कराया। ये तो नई बात होगी ना कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, परेशान मत होना। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखती, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाता हूँ मुझे लगता है, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलता है, उसे हमें खोलना पड़ता है। आज के टाइम में देयर इज़ नो वन हु इज़ सिटिंग देयर एंड वेटिंग फॉर यू कीपिंग द डोर ओपन, यू हैव टू नॉक योर सेल्फ, यू हैव टू बीट डाउन दैट डोर। कैसे करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, बस खुद को बार बार हमने ये बात रिमाइंड कराते रहना है कि कोई भी डैश नहीं करना है लाइफ में, कोई भी डैश नहीं करना अपने माइंड के साथ। मैं पहले डैश बोलती हूँ ताकि मुझे आप समझ जाओ उसकी वजह आपको कौन सा वर्ड लेके आना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखना है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, उस किले को भेदने के लिए कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जो कुछ लोग कर रहे होंगे, जो पहले लोगों ने कुछ किया है और उन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर कराया है, चाहे वो वन अटैम्प में, टू अटैम्प में, थ्री अटैम्प में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, और आगे कुछ लोग करेंगे। अगर हमें उन कुछ लोगों का हिस्सा बनना है तो हमें ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या है वो कुछ चीज़ें, इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में ही बताना चाहूँगी। सो हमारे कर्मा फैमिली से ही एक क्वेश्चन है जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कि क्या मैं अपने डेली टारगेट्स मीट करने में इश्यूज़ फेस करती हूँ? सो जी हाँ, सब लोग फेस करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, आई एम नॉट अ सुपर वुमन। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि जितने आवर्स हमने एंटिसिपेट किया होता है
किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाता है, तो उसके बाद फिर उस गिल्ट को ओवरकम कैसे करें। और ये भी ऑब्जर्व किया है कि कई बार कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, फिर एक लो जाता है और ये साइकिल फिर चलता रहता है। इससे ज़्यादा कॉमन स्टेटमेंट्स मैंने अपने लाइफ में दूसरा और कुछ शायद नहीं सुना है, ठीक है, लोको पंक्तियाँ के अलावा। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी यार कि अगर मैंने इस साल जो सबसे पहली चीज़ जो नेल आउट की है ना, वो यही की है। मैं बनाती ही नहीं हूँ डेली टारगेट्स, मुझे बनाने ही नहीं है। अगर तुम्हें मेरा तरीका सही लगता है अपनाओ, अगर तुम्हें कुछ और सूट कर रहा है तो तुम वो अपनाओ। मैं मंथली बनाती हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे नवंबर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा ये पढ़ना है, ठीक है ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो किताबें मेरे पास हैं, मेरे कमरे में एक जगह रखी हैं, दैट्स इट। चलो 30 दिन है मेरे पास, इस 30 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट ये किताबें कंप्लीट करनी है। कहीं इस 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं यार, शायद 13 to 24, करेक्ट, और फिर सेकंड्स मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा। कहीं उसको मैं चूतिया में उड़ा ना दूँ, डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, वीकली पे आ गए हम, ठीक। मोटा मोटी हमारे पास 28 दिन की बात कर रहे हैं हम, 3 दिन तो ख़राब होंगे यार, अगर महीना 31 का है या महीना 30 का है, 3 या 2 दिन आपके ख़राब होंगे ही होंगे। लड़कियों का तो 1 दिन तो फिक्स्ड ख़राब होता है, उनको पता है, वो रिलेट कर रही हैं, लेकिन लड़कों का भी होता है, सबका होता है ख़राब। तो 2-3 दिन तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 दिन लो आएगा, फिर उसे मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा, मुझे सारी तरह के सब ख्याल आ रहे होंगे कि यार मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, यार मैं इतना पढ़ रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात ही नहीं कर पा रहा था और उसने मुझे छोड़ के कहीं और किसी और को डेट करने लगी। ये भी एक नो का इशू है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ यार, फिर भी मेरा मतलब वो मार्क्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आ रहा है, अगर मेरा इस बार प्रॉब्लम्स नहीं हुआ तो फिर घर वाले शादी करने को बोलेंगे, ओ भाई। मतलब ऐसे तमाम थॉट्स आपको एक दिन हिट करेंगे, नो मैटर आप रोज़ 12 घंटे एफिशिएंट पढ़ रहे होगे तो भी। क्या ये पॉसिबल है जेन्युइनली या ऑटोमेटिकली कि आप 24 घंटे मोटिवेटेड रहो? नहाने के बाद तुम 24 घंटा फ्रेश फील करते हो? नहीं, मैं नहीं करती। तुम खाना खाने के बाद 24 घंटा पेट भरा रहता है तुम्हारा? नहीं रहता, हर बार खाना खाना पड़ता है। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ डेली वाले, जो इससे आपको रिलेट होगा कि नहीं आप 24 घंटे तो किसी भी एक फेज़ में नहीं रहते हो। पानी पीने के बाद भी प्यास लगती है, वॉशरूम जाने के बाद भी फिर जाना पड़ता है, खाना खाने के बाद फिर खाना पड़ता है, सोने के बाद नेक्स्ट डे फिर सोना पड़ता है। ठीक वैसे ही पूरे टाइम मोटिवेट नहीं रह सकते, चाहे आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, चाहे आप किसी से बात कर लो, चाहे आप 8 घंटे की पढ़ाई कर लो, आप नहीं रह सकते। आपके हाथ में सिर्फ इतना है, आपको पहला चीज़ जो अपने दिमाग को बताना है, everyone has 24 hours, we all are in the same race, सबके पास सेम चीज़ है। कल्चर ऑफ एक्सलेंस पियरी बॉर्डर को जाने दो, उनका जो भी प्रोनाउंसिएशन है पियरी बॉर्डो ही बोलते हैं हम, उनके कल्चर ऑफ एक्सलेंस को ही बात रखने रह देते हैं कि हाँ सबकी स्टार्टिंग लाइन रेस की सेम नहीं है, दैट्स डिफरेंट, बट टाइम सबके पास सेम है। अब उस टाइम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, सबका अलग अलग है। किसी का यह पहला अटैम्प्ट है, किसी का ये आखिरी अटैम्प्ट है, किसी के लिए यही मतलब पहला या आखिरी नहीं है, बट हाँ कि बस ये मेरा इसको देना है भाई, इसमें हुआ तो हुआ, अपनी जान फूंक रहे हैं उतना ही है। तो उसके लिए जितना भी लिमिटेड टाइम बचा है ना, उसको अपने मंथली टारगेट्स में आप रखो, मंथली को आप वीकली में रखो, वीकली के नीचे आप डेली में बढ़ो चाहे मत बढ़ो, चाहो तो आप 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कि हाँ ठीक है मुझे 3 दिन ये पढ़ना है, 3 दिन ये पढ़ना है, चलो संडे को मैं थोड़ा सा आधे घंटे का या आधे दिन का ब्रेक लूँगा या लूँगी, और उसके बाद आधे दिन में कुछ पेपर वगैरह सॉल्व करूँगी, ऐसे करके रख लो यार। थोड़ा सा अपने आप को ना, जैसे एक वो लाइन है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योर पीस। बहुत ही सही चीज़ है जिसने भी कही है, क्योंकि भाई आपके पास आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता हो आपकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो, जैसे राइट नाउ मेरे यहाँ ये सीन है, लाइक इट्स एक्सट्रीमली बैड, कितना ज़्यादा मेरा माइंड ख़राब है, आई कैन नॉट इवन टेल यू इन वर्ड्स, एंड दैट इज़ जस्ट वन इशू आई एम मेंशनिंग हियर। सो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप इशूज़ हो सकते हैं, आपके कुछ भी इशूज़ हो सकते हैं, बट आपका धर्म तो भाई यही कहता है कि तुम्हारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि तुम अपने आप को हेल्दी रखो और अपनी जान फूंक दो भाई, इसमें मत करो।
उसी के लिए है आपका ये सेकेंड पार्ट जो डील कर रहा है कि जो एक लो आ रहा है ना, उस लो को तुम अपना लो डे रखो, लो फेज मत बनने दो। आप उस दिन आपको नहीं पढ़ने का मन है, आप वीडियो चला के बैठ जाओ, आप मैप्स देख लो, आप पैसिव लर्निंग कर लो, आप न्यूज़पेपर से ये देख लो कि कौन से आर्टिकल्स अच्छे हैं, कहाँ से कौन सी लाइन अच्छी लग रही है, किसको मैं मीन्स के आंसर राइटिंग में लिख दूंगा या लिख दूंगी तो उससे मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए हमें रोज़ अपने टाइम के लिए मगजमारी करनी पड़ती है या रोना पड़ता है और कहते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये मैं लिख दूंगा यार, ठीक है यार साइड में रख लेता हूँ यार, और फिर वो दिन ही नहीं आता कि उस चीज़ को हम वहाँ से उठा के किसी कॉपी में नोट करें। तो इस लोअर दिन पे कर लो, शायद बहुत सोफिस्टिकेटेड साउंड कर रहा है तो छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती मत करो दिमाग के साथ। हर दिन अपने दिमाग से नहीं लड़ना है, मेजॉरिटी ऑफ द डेज पे लड़ना है। तो उस दिन आप अपने मन का कुछ ढंग का देख लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है मूवी में ना, तो प्लीज़ आप ये मूवी देख डालो, मांझी द माउंटेन मैन, माई मोस्ट फेवरेट मूवी। मेरी हर जॉनर में बहुत सारी फेवरेट मूवीज हैं, जैसे मेरा फेवरेट जॉनर है ऑफ बीट मूवीज़ हैं, और रोम कॉम भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे प्योर रोमांटिक मूवीज़ पसंद नहीं है, लेकिन मुझे रोम कॉम पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर मैं कहीं अपना टाइम दे रही हूँ तो मुझे हंसना है, मुझे अपना 2 घंटा यूटिलाइज चाहिए, मैं इतना हंस लूँ कि बस मैं रिचार्ज हो जाऊँ। अगर मैं रोम कॉम नहीं देख रही हूँ तो मैं प्योर कॉम देख रही हूँ, अगर मैं दोनों नहीं देख रही हूँ तो मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसको देखने के बाद मुझे लगे कि यार भाई ये बंदा, मतलब मांझी द माउंटेन मैन में देखा है उस बंदे की यार मतलब वाइफ की डेथ हो जाती है उसके बाद, और वो रियल लाइफ में बेस्ड है ना, उसको क्या ज़रूरत है, सूखा पड़ जाता है फिर भी यार वो पहाड़ काट के रास्ता बनाता है। सुनने कहने में अपने शायद आसान लग रहा हो, पर आप वो मूवी देखना कभी, और फिर आपको लाइन बहुत बड़ा मोटिवेट करेगी कि अच्छा पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या सच में। जब आप बिना खाना खाए उस पहाड़ को देखो और आप उसको अकेले तोड़ रहे हो, गाँव में सूखा पड़ा, गाँव वाले मूव करके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, बाप नाराज़ हो रहा है कि हाँ तेरे बच्चों को मैं खाना बना के खिलाऊँ क्या, बट उसको वही धुन है कि इस पहाड़ ने मेरी वाइफ की जान ले ली है, मेरे को तो इसको सबक सिखाना है, मेरे को इसको तोड़ना है, उसको ही दुश्मन बना देता है। तो हमें भी अपने एग्जाम को अपनी दुल्हन नहीं बनाना है, अपना प्यार नहीं बनाना है, बल्कि हमें उसको अपना दुश्मन की तरह देखना है कि येस आई विल नॉक यू डाउन मैन, आई विल नॉक यू डाउन लाइक दैट। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें मैं जितने भी कॉमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए ना कि इसको कैसे डील करें, उन सारी चीज़ों की रिप्लाई मैं सच में करना चाहती हूँ, बट एक्चुअली यार वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारा प्राइम काम तो है जो उससे समय मिल जाए तो सारी चीज़ें हो पाएँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ प्रोडक्टिव, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, यार तुम कर सकते हो यार, मुझे पता है यार, सच में कोई तुमसे कहे चाहे ना कहे, बट इन योर वर्स्ट फेज जस्ट नो यू कैन, इफ यू हैव स्टार्टेड यू कैन, यू विल समडे। ठीक है, हे बड़ी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, वी विल मीट अगेन बिकॉज लाइफ इज अ सर्कल। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।